हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हो कमेंट में ज़रूर बताना। आज का ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट करने जा रही हूँ कि आज मैं सुबह 8 बजे सारा काम कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद मैं पूजा पाठ सब कर लिया। अब आई हूँ मैं किचन में और क्या क्या तैयारियाँ मैं करने जा रही हूँ उसके बारे में बताऊँगी। तो कल मैंने लिया था सरसों का साग जो बहुत अच्छा मिल गया था और ताज़ी थी, तो इधर मैंने इसे अच्छी तरह से तोड़ लिया है और इसे सिर्फ धोना बाकी है। और सीम था तो सीम भी है ना, मुझे बहुत अच्छे मिल गए थे, तो इसे भी मैं सभी को काटूंगी। और सीम आलू जो मैं बनाऊंगी, आलू डाल के बनाऊंगी, तो इसके लिए मैंने छोटे वाले आलू लिए हैं। तो आज का ब्लॉग यही है, सुबह से लेकर शाम तक। और इधर मैं आ गई हूँ किचन में और जा रही हूँ, क्या क्या मैं तैयारियाँ कर रही हूँ उसके बारे में बताऊँगी। तो सरसों का साग मैंने अच्छी तरह से तोड़ लिया था और इसे मैं काट लूँगी अच्छी तरह से। तो मैं इसे चाकू से नहीं काट कर इस तरह से मैं काटती हूँ। और कल जो साग वाले भैया आए थे तो साग 2-3 तरह का था, तो मैंने सिर्फ सरसों का और इस मेथी का साग मैंने लिया था। तो मेथी का साग तो मैंने कल ही बना लिया था, तो आज मैं सोची सरसों का साग बना लेती हूँ। तो इसे मैंने अच्छी तरह से तोड़ लिया था और इसे मैं इसी तरह से काटूँगी। तो जब तक ये कट रहा है, और सीम भी मैंने साथ में लिए थे, तो काफ़ी अच्छे सब्जियाँ मिल गए थे। तो आज सुबह मैं 6 बजे उठ गई थी और छत पे चली गई थी, तो छत पे जितने भी हमारे पेड़ थे तो उसे भी मैंने ठीक किया, और कुछ झुक गए थे उसे भी मैंने बांध दिया है। तो ऊपर छत पे जाने पे क्या हुआ कि मैं गई, बहुत ठंडी थी आज और कुहासा भी छाया हुआ था, तो इसी वजह से है ना हमारे कुछ पेड़ जो थे वो है ना उसमें कीड़े लग गए थे, तो उसे भी मैंने निकाल दिया है अच्छी तरह से और सारा साफ़ कर दिया। फिर मैं नीचे आई तो घर के काम जितने भी होते हैं, झाड़ू पोछा वगैरह बर्तन सब मैंने धो डाला था। और उसके बाद मैं नहाने चली गई थी और उसके बाद आई, फिर मैंने तैयार हुआ, उसके बाद मैंने पूजा किया और अब मैं किचन में आ गई हूँ। तो चाय मैंने सुबह में जिस समय उठा था उसी समय बना लिया था। तो इधर हमारे साग अच्छी तरह से कट गए हैं। और क्या होता है ना कि कभी आप है ना इसे रख भी दीजिएगा तोड़ ताड़ कर तो ये पक जाते हैं, तो इसी वजह से मैं रोज़ ही साग मंगवाती हूँ और रोज़ ही बनाती हूँ। तो इससे फ़ायदे बहुत होते हैं कि हरी सब्जियाँ रोज़ खानी चाहिए। तो हमारे यहाँ साग तो रोज़ बनता है, चाहे कोई भी साग हो तो रोज़ ही बनता है। कभी कभी तो सुबह शाम मैं दोनों टाइम बनाती हूँ। और इधर हमारा साग अच्छी तरह से कट गया है और इधर धीरे धीरे मैंने सारे साग को काट लिया है अच्छी तरह से। अब इसे मैं क्या करूँगी, पानी से धो डालूँगी अच्छी तरह से और साफ कर लूँगी। तो ये कट गया है, इसे मैं एक साइड कर लेती हूँ। और इधर सीम था, इसे भी मैं छील लेती हूँ। तो इसमें क्या है ना कि आजकल कीड़े बहुत अंदर होते हैं, तो इसे देख देख कर मुझे छीलना होता है, तो काफ़ी टाइम तो लग ही जाता है। तो एक एक कर कर इसी तरह से मैं छील ली हूँ और कीड़े बहुत निकल गए थे। और इधर आधे हमारे अच्छी तरह से छिलका मैंने इसका उतार दिया। और अंदर में क्या होता है कि इसे देखना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी क्या होता है कि मुझे ऊपर से तो है ना बहुत अच्छे लग रहे हैं और अंदर क्या होते हैं कीड़े होते हैं। तो ये सब में अच्छी तरह से मैं इसे छीलती हूँ और एक एक कर कर इसी तरह देख लेती हूँ। तो ये सीम है ना, ये ग्रीन डार्क ग्रीन होता है और ये हल्का है। तो ये सब्जी भी है ना बहुत टेस्टी बनता है। इसमें मैं लहसुन वाला आज बनाऊंगी, इसमें कोई टमाटर नहीं डालूंगी। और जो डार्क रहते हैं ग्रीन वाले सीम, तो वो भी बहुत अच्छे बनते हैं, तो मैं इसे बनाऊंगी और काफ़ी अच्छे बनते हैं। तो इसका मैंने क्या किया, इसे कट मैंने बीच से नहीं किया है
और इसे खाली ऊपर से ही इसका छिलका मैंने उतार लिया है। तो इसी तरह से मैं सभी को इसी तरह छील लूँगी और इसका छिलका उतार लूँगी और इसमें कितने कीड़े हैं वो निकाल लूँगी, नहीं तो कभी कभी नज़र नहीं आ पाते हैं। तो इसे ध्यान देकर बनाना होता है, तो इसे मैं आधा ही बनाऊँगी। तो ये छिलका उतार लिया है मैंने अच्छी तरह से और इसे भी मैं अच्छी तरह से धो लूँगी। इधर मैं आलू को भी मैं कट कर ली हूँ और मुझे लग रहा था कि आलू थोड़ा कम पड़ जाएगा, तो इसे मैं दो तीन आलू और लिया है और इसे भी अच्छी तरह से छिलका मैंने उतार लिया है और इसे भी मैं कट कर लूँगी। तो यही है आज का कि मैं क्या क्या बनाने की तैयारियाँ करने जा रही हूँ। तो एक तरफ मैं सरसों का साग बनाऊँगी और एक तरफ सीम आलू की सब्जी दाल चावल, यही हमारा आज का खाना होगा। आज इधर देखिए कितने छिलके निकले हैं, इसे मैं गाय को दे दूंगी। तो इधर हमारा आलू भी कट हो गया, इधर सीम भी कट हो गया है। तो ये सबको मैं अच्छी तरह से अब मैं धो लूँगी। तो एक एक चीज़ को मैं उठा कर रख लेती हूँ और इसमें इसमें मैं ग्रीन चिल्ली ऐड करूँगी, तो मैंने थोड़े से ये भी ले लिया है और इसे भी मैं धो लूँगी। तो ये सब हमारा कट हो गया है अच्छी तरह से और इसे भी मैंने रख लिया है। अब मैं क्या करूँगी, ये सबको मैं धो लूँगी अच्छी तरह से। अब इधर मैं आई हूँ और कुकर चढ़ा दिया है और इसमें मैंने सरसों का साग डाला है पानी के साथ और इसमें सिर्फ मैंने नमक को ऐड किया है। तो ये 2 सीटी या 3 सीटी लग जाएगी तो बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो इधर हमारा साग भी है ना बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसका ढक्कन मैंने खोल दिया है और इसे मैं फ्राई कर लूँगी और इसमें सोंधापन जब तक आ ना जाए इसे मैं चलाती रहूँगी इसी तरह। और इसमें मैंने तेल भी ऐड कर दिया है और इसमें मैंने ऐड किया है ग्रीन चिल्ली। तो ये साग बनकर है ना बिल्कुल बन ही गया है। सिर्फ इसे मैं 2-3 मिनट तक इसी तरह चलाती रहूँगी क्योंकि जब तक इसमें सोंधापन नहीं आएगा और ये साग टेस्टी नहीं बनेगा। तो इसमें यही सब ध्यान देना होता है। तो इधर हमारा साग बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है, इसे मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी। और इधर एक तरफ मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है और इसमें मैं ऐड करूँगी सरसों दाना ऐड करूँगी और ग्रीन चिल्ली दूँगी और इसमें लहसुन मैंने दोनों को मिक्स कर कर डाला है और इसका तड़का मैंने अच्छी तरह से लगा लूँगी। तो इसमें मैं सीम को ऐड करूँगी और दोनों को ऐड कर कर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इसे मुझे फ्राई करना है। तो ये फ्राई जब तक हो रहा है तो इसे 2-3 मिनट तो ज़रूर लग जाता है फ्राई होने में क्योंकि इसे अच्छी तरह से फ्राई करना होता है। तो ये है जब तक लाल हो रहा है तो इसे मैं एक तरफ मैंने आलू को भी धो डाला है और इसे मैं धीरे धीरे इसी तरह चलाती रहूँगी। और इसमें मैं क्या करूँगी कि आलू को भी धोकर डालूँगी मगर अभी नहीं, थोड़ी देर बाद मैं डालूँगी जब तक ये फ्राई अच्छी तरह से हो जाता है तभी। आज मुझे मार्केट भी जाना है इसी वजह से मुझे है ना थोड़ा जल्दी जल्दी ये काम करना होगा क्योंकि घर में काफ़ी सामान भी है ना मुझे मंगवाना है लाना है, यही सब हो रहा है। इधर है ना सीम फ्राई हो गया तो इसमें मैंने आलू को ऐड कर दिया है। तो आलू ऐड करने के बाद इसे भी मैं फ्राई करूँगी और जितने भी इस मसाले होते हैं वो मैं ऐड कर दूँगी। तो इसमें ज़्यादा मुझे टाइम नहीं लगता है। तो इधर है ना दोनों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर कर 2 मिनट तक इसी तरह फ्राई कर लूँगी। तो इधर फ्राई अच्छी तरह से हो गया है तो मैंने इसमें सारे मसाले जो होते हैं सिर्फ ऐड कर दिया और सिर्फ इसमें ज़्यादा मसाले मैंने ऐड नहीं किया है। हल्दी मिर्चा और धनिया मैंने ऐड किया है, अदरक लहसुन का पेस्ट और स्वाद के अनुसार नमक मैंने ऐड किया है और इसमें धनिया पत्ता मैं ऐड कर दूंगी बाद में जब तक ये मसाला हमारा अच्छी तरह से ना फ्राई भी हो जाएगा और इसे मुझे ढक ढक कर फ्राई करना होगा। तो इसी तरह मैं फ्राई करूंगी
और लहसुन का जो तड़का लगाने के बाद है ना, ये सब्जी बनाने में है ना बहुत टेस्टी बनता है। कभी आप लोग भी ट्राई कीजिए ज़रूर, और आप लोग कैसे बनाते हैं आप लोग भी ज़रूर बताना। इसमें मैं धनिया का पत्ता काट के डाल देती हूँ और इसी तरह मैं मिक्स कर लूँगी और धीरे धीरे इसी तरह मैं चलाती रहूँगी। तो सब्जी है ना काफ़ी टेस्टी बना था, तो इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर कर इसे ढक ढक कर इसी तरह मैं पकाऊंगी। तो इसे 2-3 मिनट तक इसी तरह से मैं ढक दूंगी, और इसके बाद क्या होता है इसमें जितने भी पानी होते हैं वो मैं ऐड कर दूंगी। और जब भी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ तो कुकर में मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है। और कढ़ाई का है ना सब्जी का टेस्ट ही कुछ अलग होता है। तो हमारे घर में सभी को इसी तरह का पसंद भी है। और इसे मैं 2-3 मिनट के बाद इसे खोल कर देख लूँगी कि ये अच्छी तरह से फ्राई हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये ढक्कन को मैं खोल लेती हूँ और इसे मैं इसी तरह से मसाले को फ्राई करूँगी धीरे धीरे। तो हमारा मसाला थोड़ा पक गया है, और इसे 2-3 मिनट तक इसी तरह से अच्छी तरह से मैं चलाती रहूँगी। और इसमें धीरे धीरे है ना मैं पानी को भी ऐड करती जाऊँगी। तो इसे है ना आधा ये पक चुका है, और इसे है ना थोड़ा सा है ना मुझे ग्रेवी वाला रखना है, ज़्यादा इसमें मैं पानी ऐड नहीं करूँगी। तो धीरे धीरे इसी तरह से मैं फ्राई करूँगी। और काफ़ी टेस्टी बना था ये सब्जी, सभी लोग बोल रहे थे, क्योंकि इसे मैं फ्राई किया हुआ भी थोड़ा सा निकाल लिया था तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो इसी तरह से हमारे यहाँ सब्जी बनती है और काफ़ी टेस्टी बना था, और ये दाल चावल के साथ है ना खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो इसे मैं इसी तरह से है ना धीरे धीरे चलाती रहूँगी। तो ये हमारा मसाला लगभग है ना फ्राई हो चुका है, तो अब इसमें मैं थोड़ा पानी को भी ऐड करूँगी धीरे धीरे। और पानी को ऐड कर कर इसे 2-3 मिनट मुझे पकाना होगा, और ये बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। तो ये सब्जी हमारा पक गया है, और इसे मैं उतार दूँगी। और एक तरफ मैंने चावल को भी बना लिया है, सिर्फ 2 मिनट में बन जाएंगे। और इधर मैंने सारा किचन को भी साफ़ कर लिया है। तो आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, और आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और इधर हमारा चावल भी बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। तो मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, और इसके लिए बाय।